नमस्कार हरियाणा वासियों, मैं बहुत ही मान व सम्मान के योग्य, पूरी दुनिया में मेरी क्लास देखने वाले मेरे पिता तुले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं आपका अपना जी के भाई रविंद्र सर आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ हमारे HSSC CET मेंस व ग्रुप डी क्रैश कोर्स पर। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा के प्रमुख पुरस्कार। हर बार बच्चों यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, आज उसी क्वेश्चन की हम खोज करेंगे जो बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक को बिल्कुल विस्तार पूर्वक बच्चों हम पढ़ेंगे। आपका इस टॉपिक से अगर कोई भी भविष्य में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि आपका गलत नहीं होगा। बिल्कुल डीपली इस टॉपिक को आज हम पढ़ने का बच्चों कार्य करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि जल्दी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कार्य करें, ताकि हम हमारी क्लास को आगे सुचारू रूप से स्टार्ट कर सके। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज का हमारा जो प्रथम व प्रमुख जो पुरस्कार है, जो बहुत बार एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं आज का पहला पुरस्कार, और बच्चों नाम दिया गया है बेम पुरस्कार। हर एक पुरस्कार को बच्चों जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, किस खेल से संबंधित है पुरस्कार और कितनी राशि दी जाती है, इन दोनों चीजों को बच्चों बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम समझने का कार्य करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों नाम आता है बीम पुरस्कार का। बीम पुरस्कार है बच्चों, ये जो पुरस्कार है हर वर्ष 5 खिलाड़ियों को राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो इस पुरस्कार को देने का कार्य करता है बच्चों राज्यपाल करता है, और हर वर्ष 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार के साथ साथ बच्चों हरियाणा रोडवेज बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा भी दी जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को बच्चों यह पुरस्कार मिला है उसको आजीवन निःशुल्क यात्रा मिलेगी हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर। उसके बाद एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीम पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो बच्चों हमें याद रखना है, सबसे पहले भीम से, भीम था बच्चों, और भीम किसका पुत्र था बच्चों? भीम था पांडु का, पांडु का पुत्र था, इसीलिए बच्चों ये पांडव कहलाया। और बात की जाए कुल पांडु के कितने लाल थे, तो बच्चों पांडु के कितने लाल थे? पांडु के कुछ कुल 5 लाल थे, इसीलिए 5 पांडव कहलाए। तो अगर आपसे पूछ ले पांडु के कितने लाल थे बच्चों, पांडु के 5 लाल थे, और 5 लाल से हमें याद रखना है 5 लाख। तो भीम पुरस्कार के तहत बच्चों कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भीम पुरस्कार नाम याद सुनते ही हमें याद रखना है कि भीम और कितने भाई थे। तो अपनी सीधी सी भाषा में भीम और 5 भाई थे, और 5 भाइयों ने 1-1 लाख रुपया मिले हैं। इसका मतलब यो सोचना पड़े तो बच्चों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है भीम पुरस्कार के तहत। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पुरस्कार है बच्चों, अगला जो पुरस्कार है इस पुरस्कार का नाम है हाली पुरस्कार। हाली जो पुरस्कार है बच्चों हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। भविष्य में कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है? हमारा हाली पुरस्कार है, हाली पुरस्कार। उसके बाद आगे देखते हैं इसी पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार उर्दू के बहुत बड़े शायर अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है बच्चों। उर्दू के बहुत बड़े शायर आया करते जिसका नाम था अल्ताफ हुसैन अली, उसकी याद में बच्चों उसके नाम पे इस पुरस्कार को दिया जाता है, और यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। तो बच्चों ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, उर्दू के महान शायर अल्ताफ हुसैन अली के नाम पर दिया जाता है। और अगर बात की जाए बच्चों अल्ताफ हुसैन अली है, अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है, तो बच्चों 1837 में इस महान व्यक्ति का जो जन्म है पानीपत के अंदर होता है, और पानीपत में ही बच्चों इस व्यक्ति के नाम पर एक झील का नाम भी रखा गया है, और जो झील है बच्चों उस झील का नाम है हाली झील। याद रखना है हाली झील बच्चों कहाँ पड़ती है? पानीपत के अंदर पड़ती है हाली झील। और इस झील के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो ये झील है, इस झील की संरचना जो बड़खल झील है बच्चों फरीदाबाद के अंदर पड़ती है, उस झील के बिल्कुल अनुरूप तैयार की गई है। तो 1837 में बच्चों पानीपत के अंदर अल्ताफ हुसैन आली का जन्म होता है। अब देखिए जो आपने ट्रिक है, इस पुरस्कार की राशि को किस प्रकार याद रखना है, पुरस्कार कौन सा है बच्चों? हाली। तो सबसे पहले हमें हाली लिखा,
और बच्चों हाल ही में ही हमारे जो पुरस्कार की राशि है वो सबसे पहले शब्द के अंदर छुपी हुई है। देखिए ये जो है बच्चों, इस है को अगर हम सीधा करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, तीन लिखा मिलेगा और उसके बाद आता है ली। तो ली का मतलब क्या याद रखना है बच्चों, लाख। हाल ही पुरस्कार के तहत बच्चों कितनी राशि दी जाती है, तो 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए जो हाल ही पुरस्कार है इसे देने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है बच्चों, हरियाणा, उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी इस पुरस्कार को देने का कार्य करती है। और बच्चों अगर बात की जाए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कब होती है, तो बच्चों अपन इस प्रकार से पढ़ना है क्योंकि लाखों में से अपन एक छटके आना है बच्चों, क्या है थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए स्थापना बच्चों कब की जाती है, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1985 को की जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये रहेगा पंचकुला के अंदर, इसका हेडक्वार्टर रहेगा बच्चों। ये दो प्रमुख पत्रिका का भी विमोचन निकालता है, यानी कि एक पत्रिका निकालता है बच्चों जिसको मासिक पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। मासिक पत्रिका अगर पूछ लिया जाए बच्चों कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मासिक पत्रिका कौन सी होती है। ये जो मासिक पत्रिका निकालता है उसका नाम है बच्चों जमुना तट। और अगर बात की जाए एक और कौन सी पत्रिका निकालता है बच्चों, तो निकालता है त्रिमासिक पत्रिका। त्रिमासिक पत्रिका का भी आपको पता होगा कौन सी होती है, त्रिमासिक पत्रिका। तो बच्चों एक है जो मासिक पत्रिका उसका नाम है जमुना तट, और एक त्रिमासिक पत्रिका निकालता है बच्चों जिसका नाम है उर्दू दिशा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, मासिक पत्रिका वो पत्रिका होती है जो मास में एक बार यानी कि महीने में एक बार निकाली जाती है, और त्रिमासिक यानी 3 महीने में जो पत्रिका एक बार निकलती है उस पत्रिका को त्रिमासिक सॉरी त्रिपत्रिका या त्रिमासिक पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो साहित्य अकादमी द्वारा त्रिमासिक पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम उर्दू दिशा है, और मासिक पत्रिका का नाम जमुना तट है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985, हेडक्वार्टर की बात की जाए पंचकुला, अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत में होता है बच्चों 1837 को, मृत्यु है 1914 को, इसकी मृत्यु होती है बच्चों 1914 में। और 1914 में ही हरियाणा के एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम था बच्चों चौधरी देवीलाल। तो ये भी याद रखना है चौधरी देवीलाल का जो जन्म है बच्चों तेजा खेड़ा गाँव सिरसा में हुआ था, जो 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री व 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने थे बच्चों। तो ये बात भी हमें याद रखनी है, कृषि पुरस्कार चौधरी देवीलाल के नाम पर दिया जाता है। हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल के नाम से है बच्चों, चाहरपुर यमुनानगर के अंदर पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौधरी देवीलाल के नाम से है बच्चों, जो पंचकुला के अंदर पड़ता है। ये चीज भी हमें जरूर याद रखनी है। अगला नेक्स्ट है बच्चों आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ये जो सम्मान है बच्चों ये सम्मान किसे मिलता है, जिसने अपना सारा जीवन साहित्य के क्षेत्र में बिता दिया हो, जिसने पूरा के पूरे जीवन बच्चों क्या है साहित्य के क्षेत्र में बिताया हो, केवल उसे ही दिया जाता है यह पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है बच्चों एक बार एग्जाम में पूछा गया था आजीवन साहित्य साधना जो सम्मान है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बच्चों इसे वयोवृद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बच्चों बात की जाए आजीवन साहित्य साधना जो सम्मान है इस सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो बच्चों हमें एक बार और लाइन को अच्छे से पढ़ना है, जिसने अपना सारा जीवन साहित्य के क्षेत्र में बिता दिया हो, यानी जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन किसको साथ रखा, साहित्य को साथ रखा बच्चों। देखिए स से साहित्य आएगा, एक स ये हुआ, एक आएगा साधना, एक स ये हुआ और एक आएगा सम्मान बच्चों। 3 बार किसका जिक्र हो रहा है, स का, और स से बच्चों हमें क्या याद रखना है, साथ, जिसने हमेशा साहित्य का साथ दिया। तो साथ से भी साथ याद रख सकते हैं और साहित्य साधना सम्मान से भी साथ याद रख सकते हैं आप। तो बच्चों किसने दिया था, जिसको यह अवार्ड मिलता उसने दिया, और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो बच्चों इसके तहत 7 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों, ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है हरियाणा साहित्य
हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बच्चों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात की जाए हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब की जाती है, तो बच्चों 9 जुलाई 1971 को इसकी स्थापना की जाती है। और बात की जाए बच्चों जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा बच्चों पंचकुला के अंदर ही। उसके बाद ये एक मासिक पत्रिका भी निकालता है बच्चों, जो मासिक पत्रिका होती है मास में महीने में एक बार निकाली जाती है। और इसकी जो मासिक पत्रिका है बच्चों उसका अगर नाम पूछ लिया जाए तो मासिक पत्रिका का नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, तो मासिक पत्रिका का नाम रहेगा हरिगंधा। मासिक पत्रिका है हरिगंधा जिसका नाम रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला है जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार। चौधरी देवीलाल पुरस्कार के बारे में बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो कृषि पुरस्कार है बच्चों इस पुरस्कार का नाम क्या है। तो बच्चों हरियाणा का जो सबसे बड़ा कृषि जो पुरस्कार है इस पुरस्कार का नाम बच्चों चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। अगर बात की जाए हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार तो कौन सा रहेगा बच्चों, चौधरी देवीलाल रहेगा जो किसानों के मसीहा कहलाए थे उसी के नाम पर हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। ये जो पुरस्कार है ये दो स्तर पर दिया जाता है, एक स्तर होता है बच्चों राज्य स्तर, एक राज्य स्तर पर दिया जाता है और दूसरा दिया जाता है बच्चों जिला स्तर के ऊपर। जिला स्तर जो राज्य स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाता है बच्चों, राज्य स्तर पर इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अगर बात की जाए जिला स्तर पर तो हर जिले में बच्चों इस अवार्ड के तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाती है, 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो दोनों हमें जरूर याद रखने हैं। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा हम एक पुरस्कार और है उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक बच्चों योजना की शुरुआत की गई है, उस योजना के बारे में भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कृषि सम्मान से जुड़ी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देखते हैं जो हमारी कृषि पुरस्कार से जुड़ी हुई योजना है बच्चों। मुख्यमंत्री प्रगतिशील, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई। किसान सम्मान योजना, ये जो योजना है बच्चों इस योजना के तहत 3 पुरस्कार यानी कि 3 स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं, 3 स्टेज पर दिया जाता है, प्रथम द्वितीय व तृतीय। ये जो पुरस्कार है बच्चों 3 पुरस्कार दिए जाते हैं इसके अंदर। जो प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, प्रथम या जो पहला पुरस्कार है बच्चों, इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दूसरा जो पुरस्कार है द्वितीय स्तर का पुरस्कार है बच्चों, सेकंड लिख सकते हैं हम इसे, जो ये पुरस्कार है ये 2 लोगों को एक साथ मिलता है, 2 लोगों को, और इसमें 3-3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नंबर 3 पे है बच्चों, थर्ड पर तीसरा जो पुरस्कार है इसी से जुड़ा हुआ, उसमें क्या है बच्चों, उसमें 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखना है मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान जो योजना है बच्चों, इसकी जो शुरुआत है 2021-22 में की गई थी बच्चों। इसके तहत क्या है, 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम स्तर पर 5 लाख रुपए, सेकंड पर 2 लोगों को दिया जाता है 3-3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और थर्ड पर बच्चों 5 किसानों को दिया जाता है 1-1 लाख रुपए की राशि इसके तहत दी जाती है। थोड़ा सा मैं और जान लेता हूं बच्चों, बात है 10 नवंबर 2022 की, 10 नवंबर 2022 की बात है बच्चों। एक आपने नाम सुना होगा भारतीय कृषि एवं खाद्य, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद है बच्चों, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा हरियाणा को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 का। कौन सा पुरस्कार बच्चों, पुरस्कार का नाम है इंडिया एग्री बिजनेस
अवार्ड 2022 ये पुरस्कार मिला है बच्चों। ये जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में बच्चों जो राज्य अधिक योजनाएं लेकर आता है, जो नए नए बीज लेकर आता है, नई नई स्कीम लेकर आता है कृषकों को लुभाने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उस राज्य को बच्चों ये अवार्ड दिया जाता है। और हरियाणा को ये अवार्ड पूछ ले बच्चों कब मिला था, तो वर्ष 2022 में मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है, एग्री इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किस राज्य को मिला बच्चों, तो किसे मिला था, वो राज्य था बच्चों जिसका नाम हरियाणा है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए अगला हमारा जो पुरस्कार है, मुख्यमंत्री उद्योग रत्न पुरस्कार। मुख्यमंत्री उद्योग रत्न पुरस्कार है बच्चों, दो मुख्यमंत्री उद्योग रत्न पुरस्कार है बच्चों। देखिए मुख्यमंत्री, हमें मुख्यमंत्री का नाम याद आते ही याद रखना है कि किसी राज्य के अंदर बच्चों क्या है, मुख्यमंत्री उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो एक समय में बच्चों कितने मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री एक समय में कितने बन सकते हैं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर बनाना हो तो दूसरा के बनाना पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो बच्चों एक समय के अंदर एक राज्य में कितने मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बच्चों एक ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आज के समय में आपने कितने मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री एक ही है। एक कौन है बच्चों, जिसका नाम है मनोहर लाल, और मनोहर लाल से आपने के याद रखना है लाख। तो बच्चों इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि देती है। और ये जो पुरस्कार है बच्चों यो है उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर पूछ ले कौन सा है, तो उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है बच्चों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा रहेगा, तो रहेगा मुख्यमंत्री उद्योग रत्न पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है बच्चों राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही है तो सभी साथी कमेंट करके बताने का कार्य करें, और जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी से मैं भी अनुरोध करता हूं बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में हम कोई भी क्लास लेकर आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगला पुरस्कार है बच्चों राज्य शिक्षक पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है बच्चों हर साल 5 सितंबर को दिया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर हर जिले में बच्चों यह पुरस्कार दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है बच्चों ये दिया जाता है प्राथमिक प्राथमिक व माध्यमिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक को बच्चों यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है बच्चों कितनी दी जाती है, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कौन सा है, राज्य शिक्षक है बच्चों, राज्य शिक्षक पुरस्कार है। तो देखिए शिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस शिक्षक का हमें सबसे पहले क्या उठाना है बच्चों, शिक्षक का दो उठाना है, उसके बाद क्या उठाना बच्चों एक उठाना है, और दो और एक लिखता नहीं, आगे हमें क्या लिखना है बच्चों, आगे हमें लिखना है 1000। तो 21,000 रुपये राशि दी जाती है बच्चों प्राथमिक यानी कि पहली से 5वीं कक्षा तक के टीचर को, और उसके बाद माध्यमिक यानी कि बच्चों 5 से 8वीं क्लास तक का जो टीचर होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला देखते हैं सन्नो देवी पुरस्कार। बच्चों ये जो पुरस्कार है पंचायत की महिला नेताओं को दिया जाता है, जो पंचायत स्तर पर महिला नेता होती है उनको बच्चों यह पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने महिला साक्षरता और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, यानी कि जिनका मेन उद्देश्य है जो नेता है बच्चों महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखती है, महिलाओं की साक्षरता के बारे में ध्यान रखती है, वह महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा होती है उसको रोकने का प्रयास करती है। जिस तरह किसी के घर में दहेज खातर लड़ाई होगी, कोई तलाक करवाना चाहो तो बच्चों उन्हें समझाने का कार्य करे है, उन महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है बच्चों किसके नाम पर दिया जा है, आपने पता होगा भारत की प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष थी भाई, विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, वह हरियाणा की प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर भी यही महिला थी बच्चों। तो
तो इसका नाम पे की है यो पुरस्कार दिया जा है। ये भी देखो कितनी बार हरियाणा की विधानसभा स्पीकर बनी बच्चों, तो कितनी बार बनी थी, एक बार बनी थी, एक बार बनी तो एक बार से आपने याद रखना है 1,00,000 रुपए की जो राशि है इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। भारत की प्रथम महिला थी, तो बच्चों प्रथम का मतलब कितना होता है, प्रथम का मतलब होता है पहला, और पहला से आपके समझ कहा एक नंबर का, तो एक नंबर से भी याद रख सको हो 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए ट्रिक आपने किस प्रकार की लागण लाग रही है। अगर आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो मैंने, ताकि और भी जो चीज आप इस तरह ट्रिक बना बना के पढ़ सका। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों, कल्पना चावला पुरस्कार। कल्पना चावला पुरस्कार है बच्चों उन महिलाओं को जिन्होंने जीवन को जोखिम में डालकर सांस दिखाया हो, यानी भाई अपना जीवन है जो उसने जोखिम में डाल के किसकी जान बचाई हो, किसका घर बचाया हो, किसका परिवार बचाया हो, किसकी रक्षा करी हो, ऐसी महिलाओं को क्या है ये पुरस्कार दिया जाए है। इस पुरस्कार की राशि आपन किस प्रकार याद रखनी है, अंतरिक्ष में जान वाली भारत की अगर बात करा पा, भारत की प्रथम महिला कौन थी बच्चों, तो प्रथम महिला कौन थी जो लौटते हुए जिसका देहांत हो गया, तो प्रथम महिला कौन थी बच्चों, कल्पना चावला थी। कौन सी महिला थी, या प्रथम थी, और प्रथम का मतलब क्या होता है, प्रथम का मतलब होता है पहला, और पहले से के याद रख सको हो एक, यानी इस पुरस्कार के तहत बच्चों कितनी राशि दी जाती है 1,00,000 रुपए की इस पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कल्पना चावला का संबंध किस जिले से था बच्चों, तो इसका जो जन्म है वो 17 मार्च को वर्ष 1962 को होता है बच्चों, जिला है वर्तमान में सीएम सिटी करनाल हरियाणा का पेरिस कहा जाता है जिसे। उसके बाद बच्चों बात की जाती है, ये तो था इसका जन्म, उसके बाद है बच्चों कल्पना चावला की मृत्यु कब होती है, तो इसकी मृत्यु 1, 2 व 3 1 फरवरी 2003 को बच्चों अंतरिक्ष से लौटते समय एक कोलंबिया अंतरिक्ष यान था बच्चों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान था बच्चों उससे वापस आ रही थी, और वापस आते समय बच्चों क्या है इसका जो यान है वो दुर्घटनास्त हो जाता है, जिस कारण इसका बच्चों देहांत हो जाता है, और ये लगभग 21 दिन तक क्या थी अंतरिक्ष में बच्चों, इसने 31 दिन अंतरिक्ष में बिताए, और बच्चों क्या है वर्ष 1994 के अंदर नासा में शामिल हुई थी, अमेरिका की तरफ से बच्चों अंतरिक्ष में गई थी लेकिन देहांत हो गया। तो बच्चों अमेरिका एक ऐसा देश है जिस देश के एक सड़क है बच्चों, जिस सड़क का नाम किसी भारत की महिला नारी के नाम पर रखा गया हो, तो बच्चों कौन सी सड़क है वो है, सड़क का नाम है कल्पना चावला सड़क, कल्पना चावला सड़क। या बच्चों अगर बात करें मार्ग किस देश में है, तो बच्चों कौन से देश में है, अमेरिका देश के अंदर है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बच्चों अंतरिक्ष में गई थी और आते समय इनका देहांत हो जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों विज्ञान रत्न पुरस्कार। एक है बच्चों विज्ञान रत्न पुरस्कार और दूसरा है विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बच्चों विज्ञान रत्न पुरस्कार के बारे में। ये जो पुरस्कार है बच्चों ये पुरस्कार दिया जाता है 40 वर्ष से जो अधिक है बच्चों, और क्या है 40 वर्ष से अधिक के आयु के वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया जाता है। 40 वर्ष से जो ऊपर की आयु का वैज्ञानिक है बच्चों उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस 40 आपने की याद रखना है, इस 40 आपने एक आगाड़ा 4 नंबर उठा के लेके आना है बच्चों, एक आगाड़ा 4 नंबर उठा के ना और कहां रख देना है, यहां रख देना है और आगे के लिखना है लाख। इस पुरस्कार के तहत बच्चों 4,00,000 रुपए की राशि दी जाती है, और विज्ञान रत्न पुरस्कार अगर पूछ ले किसे दिया जाता है, तो 40 वर्ष से अधिक आयु के वैज्ञानिक को यह पुरस्कार बच्चों दिया जाता है। अगला है देखिए विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार। बात है बच्चों युवा की, तो ये जो पुरस्कार है ये 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को दिया जाता है। एक था 40 वर्ष से अधिक के और एक 40 वर्ष से कम के। तो कम से बच्चों आपने क्या रखना है 40 से कम, यानी कि इसका लास्ट में 4 है, आपने 4 बिल्कुल लास्ट में रख दिया था उसका।
और इसका बच्चों क्या है, इसके भी चार है, 40 से कम वाला नहीं मिले, तो इस चार का अपन क्या बनाना है, इस 40 ना अपन है नंबर एक से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। नंबर एक से काउंटिंग स्टार्ट कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक आओगा, और एक से क्या याद रखना है, 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। तो याद रखना है बच्चों, 1 लाख रुपए दिया जाता है विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार के तहत। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है बच्चों उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने निराश्रित, निराश्रित का मतलब क्या होता है, जिसके सिर पर कोई नहीं, उसको बोलता बोला जाता है निराश्रित, ना किसी का पिता हो, ना किसी की माता हो, यानी कि सिर के ऊपर किसी का भी साया ना हो। ये उन महिलाओं को जिन्होंने निराश्रित महिलाओं, बच्चों, विधवाओं व अत्याचार पीड़ित महिलाओं की मदद की हो, यानी कि उनको बच्चों यह पुरस्कार दिया जाता है, उस महिला को यह पुरस्कार दिया जाता है जिसके सिर पर कोई ना हो, उस महिला की सेवा करे, उस बच्चे की सेवा करे, उन विधवाओं की क्या है सेवा करे, या जो अत्याचार से पीड़ित महिला है उनकी जो सेवा करे बच्चों, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बच्चों बात आती है राशि की। जब राशि की बात आती है बच्चों, तो आप सभी ने बेरा है, इंदिरा गांधी है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और कितनी बार प्रधानमंत्री बनी बच्चों, 2 बार प्रधानमंत्री बनी, 2 बार तो प्रधानमंत्री बनी, लेकिन एक बार तो क्या था बच्चों, एक बार इसने कार्यकाल पूरा कर दिया, और दूसरी बार जो क्या है बच्चों, दूसरी बार कार्यकाल के दौरान क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। उस समय क्या था इसका, आधा ही कार्यकाल पूरा हो पाया। तो बच्चों एक पूरा था, दूसरा कौन सा था, आधा। इससे आप क्या याद करेंगे, 1.5 लाख रुपए क्या है बच्चों, इस पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है उन महिलाओं को जिन्होंने निराश्रित महिलाओं, बच्चों, विधवा व अत्याचार पीड़ित महिलाओं की मदद की, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा, तो बच्चों इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है महाकवि सूरदास सम्मान। सूरदास का नाम आपने बिल्कुल बहुत बार सुना होगा बच्चों। सूरदास जी के बारे में बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो ये सूरदास महाकवि थे, बहुत बड़े कवि थे बच्चों, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह जन्म से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारी रचनाओं को लिखने का कार्य किया, बहुत सारी रचना लिखी बच्चों। तो देखो ईब अपन इस पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों दिया गया है 22 मई 2006 को इसका जो नाम है वो बदल दिया गया बच्चों। ये जो पहले इसका नाम होता था, पहले इसका नाम होता था महाकवि सूरदास पुरस्कार, लेकिन बाद में हरियाणा सरकार ने क्या निर्णय लिया, हम इसका पुरस्कार नहीं, इसका हम नाम रखेंगे क्या, सम्मान रखेंगे। तो बच्चों क्या नाम रखा गया इसका, इसका नाम रख दिया महाकवि सूरदास सम्मान। तो बच्चों पुरस्कार से हटाकर इसका जो नाम है वो क्या कर दिया, सम्मान। और कब किया गया बच्चों, 22 मई 2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में इसका नाम बदला गया। उसके बाद बच्चों बात आती है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों इसका जो जन्म है वो होता है सिही ग्राम के अंदर, सिही गांव या सिही ग्राम के अंदर, वर्ष 1478 के अंदर होता है। और सिही जो गांव है बच्चों ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, फरीदाबाद वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हमारा फरीदाबाद रहेगा बच्चों, उसी में इसे क्या है इनका जन्म होता है बच्चों। और इसने प्रमुख जो रचना की थी बच्चों, एक रचना की थी बच्चों सूर सागर, दूसरी थी बच्चों सूर सारावली, एक और लिखी बच्चों साहित्य लहरी आदि पुस्तक लिखने का बच्चों कार्य किया था, किसने किया था, महाकवि सूरदास ने किया था। अब बच्चों बात आती है इस पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है, तो बच्चों इस पुरस्कार के तहत बात की गई है राशि कितनी दी जाती है, तो इस पुरस्कार के तहत बच्चों 5 लाख की राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत बच्चों। तो ये भी हमें याद रखना है
से ही गांव में इनका जन्म होता है। अगला है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा गौरव सम्मान बच्चों, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो हरियाणा के नागरिक हो, जो अन्य जगहों पर रहते हो, यानी कि मान के चलो हरियाणा का है और कई विदेश में रहने लाग रहे हैं, कई अन्य राज्य में रहने लाग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उन्हें रह रहे के बच्चों हरियाणा के साहित्य को बढ़ावा देवे, उनको यह पुरस्कार मिलेगा। यानी कि हरियाणा के साहित्य लिखने का कार्य करे, हरियाणा के साहित्य पढ़ने का कार्य करे, बच्चों गान का सुनान का उसको बढ़ावा देने का कार्य करे, उसको यह पुरस्कार देने का कार्य करती है हरियाणा सरकार। उसके बाद है, इस पुरस्कार के तहत बच्चों कितनी राशि दी जाती है, तो यह जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के तहत बच्चों 2.5 लाख रुपए की, यानी कि 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, हरियाणा गौरव सम्मान। तो बच्चों 2.5 लाख रुपए की क्या है, इस सम्मान के तहत राशि दी जाती है, तो ये भी हमें याद रखना है। याद रख सकते हो ना, 2.5 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। किस प्रकार याद रखोगे बच्चों, अपन याद रखना है गौरव। गौरव क्या है, गौरव व्यक्ति का नाम है बच्चों, और जो ये गौरव है ना, इस गौरव के छोटा बच्चा है ये गौरव, और जब इस गौरव की इसकी माँ ड्रेस लेने जावे तो दुकान वाला इन्होंने कहो भाई मेरे बड़े की ड्रेस दे दे, तो दुकान वाला इन्हू कहे भाई कितने बिलात का है, बोले बिलात तो मैं नैप के कौन लेके आया, तो बोले भाई आप आयु बता दो, आयु कितनी है, बोले आयु मेरे को पक्की तो कन्फर्म है को नहीं, लेकिन 2-2.5 साल का पाओगा। कितने का पाओगा बच्चों, 2-2.5 साल का। तो इसी 2-2.5 साल अपन याद रखना है, इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्या दी जाती है, 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान है बच्चों, ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जिसने योगदान दिया है उसने ये पुरस्कार दिया करे, यानी कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, और जो ये पुरस्कार दिया जाए बच्चों संस्कृत भाषा में जो बढ़ाओगा उसने ये पुरस्कार दिया जाएगा, और संस्कृत जो भाषा है अपनी के है, अपनी सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी है बच्चों, सबसे पुरानी है कौन सी है, संस्कृत। इब यो पुरानी अपन एक बार लिख दिया, इब एक बार और लिखो पुरानी ने, तो सबसे पहला के लिखना पड़ेगा, पै लिखना पड़ेगा, और इस पै का मतलब क्या होता है बच्चों, पै से याद रखना है 5। तो इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए की दी जाती है। आप बच्चों इस क्लास को 2 बार देखना है, एक बार अब देखना है, एक बार सुबह उठते ही आप इस क्लास को देखियो, आपको हमेशा के लिए सारे के सारे पुरस्कार याद हो जाएंगे, और साथ साथ आपने नोट्स भी बनाया करो बच्चों, क्योंकि जब एग्जाम का समय होगा तो 3 से 4 दिन में आप अपने नोट्स ही पढ़ाओगे सारी, क्योंकि क्लास तो आप दोबारा देख कौन सको, तो बच्चों आप नोट सके है जल्दबाजी में सारी चीजें पढ़ लोगे। तो बच्चों क्या याद रखना है, पुराना है, सबसे पुरानी भाषा है अपनी संस्कृत, और पै उठा लिया, पै का मतलब 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। अगला है पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान। पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान है बच्चों, भाषा कला संस्कृति व लोक साहित्य से संबंधित जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दिया जाए है बच्चों। अगर बात की जाए किसकी याद में किसके नाम पर दिया जाता है, तो बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो पंडित लक्ष्मीचंद थे बच्चों, अगर बात की जाए इस महान व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, तो बच्चों जाटी कला के अंदर होता है, और जो ये जाटी कला गांव है बच्चों कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों सोनीपत के अंदर पड़ता है जाटी कला गांव, और सोनीपत में वर्ष 1903 के अंदर बच्चों इस व्यक्ति का जन्म होता है। उसके बाद बात की जाए बच्चों इस व्यक्ति का पेशा क्या था बच्चों, तो ये क्या कराया करता, रागनी गाया करता, और भाई क्या कराया करता, सांग कराया करता, यो रागनी गाता था सांग करता था। एक नाम और दे दिया गया, क्या नाम दिया गया, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास भी बच्चों इसे कहा जाता है। 1903 में जाटी कला सोनीपत में इस महान व्यक्ति का जन्म होता है बच्चों, तो यह बात भी अपन जरूर याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय। पंडित लक्ष्मीचंद जो विश्वविद्यालय है बच्चों, देखो इसकी जो स्थापना है सबसे पहले अटेरणा के अंदर की जाती है सोनीपत के अंदर, लेकिन वर्तमान में अगर बात करा
या यूनिवर्सिटी कड़े है, तो बच्चों वर्तमान के अंदर जो ये यूनिवर्सिटी है यह मिलेगी आपने रोहतक के अंदर। रोहतक MDU जो परिसर है बच्चों, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इसी परिसर के अंदर ये कार्यरत है यूनिवर्सिटी। तो पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय कहाँ है, रोहतक के अंदर पड़ता है बच्चों, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद बात की जाती है इस पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है, तो बच्चों बात की जाए राशि की तो पंडित लक्ष्मीचंद से आपने याद रखना है बच्चों, वर्तमान में यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वर्तमान में रोहतक के अंदर यह यूनिवर्सिटी है। और ये जो पुरस्कार है इस पुरस्कार के तहत बच्चों 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए है जो बच्चों ये राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। तो 2.5 लाख रुपए की राशि पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि देने का कार्य करती है हरियाणा सरकार। अगला है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास जो पुरस्कार है बच्चों, ये जो पुरस्कार है महर्षि वेदव्यास जिसने आपने बहुत बार सुना होगा, जिसने बच्चों वेदों की रचना की थी, कुल वेद 4 है, 5वें वेद की सजा महाभारत को दी गई, जिसके श्राप के कारण सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी बच्चों, उसी व्यक्ति के नाम पर क्या है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और यह जो बच्चों पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में लिखा करता वो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सोमवेद, यजुर्वेद, महाभारत सारी संस्कृत में लिखी, तो बच्चों जो संस्कृत भाषा में जो काव्य लेखन का कार्य करता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। और बच्चों बात की जाए इस पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है, तो बच्चों महर्षि से हमें याद रखना है, जो महर्षि को अगर हम यहाँ लिखेंगे महर्षि, महर्षि बच्चों आपने यहाँ लिख दिया, इस महर्षि में कुल कितने शब्द दिखाई दे है, एक मैं, दूसरा है और तीसरा सी, तीन शब्द दिखाई दे है, इन तीन से भी आप तीन याद रख सको हो, या इसके बीच वाला उठा ले, एक बीच वाला है और है को अगर सीधा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है संस्कृत काव्य लेखन के क्षेत्र में, यह पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा बच्चों दिया जाता है। अगला देखिए, अगला पुरस्कार की बात करते हैं स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाधारक सम्मान। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाधारक जो बच्चों सम्मान है ये उस व्यक्ति को मिलता है, किसको बच्चों, जो संस्कृत पाठशाला, जो संस्कृत की पाठशाला चला है बच्चों, संस्कृत की पाठशाला या के है संस्कृत भाषा के गुरुकुल चलाने लग रहे हैं, गुरुकुलों के संचालक को मिलता है बच्चों, गुरुकुलों के संचालकों को यह सम्मान मिलता है। और यह जो सम्मान है बच्चों किस किस ने मिला है, नंबर 1 संस्कृत की पाठशाला चलावे, नंबर 2 गुरुकुल चलावे, कितने हो गए, 1+1 कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया 2। आपने के याद रखना है इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाती है, किस किस को मिलता है, या तो कोई संस्कृत पाठशाला चलांदा हो और या के चलांदा हो बच्चों गुरुकुल चलांदा हो, तो उनमें यह पुरस्कार मिलेगा, इस पुरस्कार के तहत बच्चों 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाती है। अगला है बच्चों हमारी जो नई खेल नीति है, खेल नीति 2015, इस नीति के अनुसार बच्चों कौन कौन से जो पुरस्कार है उन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है, अब हम उन पुरस्कारों के बारे में बच्चों बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा पुरस्कार है, अगर यहाँ तक आप सभी का बच्चों याद हो गया हो, आसानी से समझ में आने लग रहा हो, तो सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बता दे, और जो नए साथी आज पहली बार जुड़े हैं वो अपने चैनल सब्सक्राइब कर दो। आपने जैसा पता है बच्चों हमने हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी का बिल्कुल फ्री आपकी सेवा में क्रैश कोर्स स्टार्ट करा के हैं, तो बच्चों आप सारी की सारी जो हमारी क्लास है वो आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना बच्चों व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी सलाह ले इसको हो, 9812894920 के नाम से बच्चों, अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सको हो जीके बाई रविंदर सर के नाम से, तो आप बच्चों यहां भी जुड़ सकते हो। यहां जुड़ने का एक ही फायदा होगा आपको कि जो भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं उससे 2 मिनट पहले इस ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर देता हूं, ताकि जो जो बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं उनके पास जल्दी से वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन हर बार आपके पास नहीं पहुंच पाता। तो बच्चों आप सब्सक्राइब करके चैनल में बेल आइकन दबा लोगे
तो आपको पता चलेगा क्लास का, अगर नॉर्मली सब्सक्राइब कर लिया तो आपको क्लास का पता नहीं चल पाएगा। तो आप बेल आइकन भी दबा लो ताकि क्लास स्टार्ट होता नहीं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जा। अगर फिर भी ना पूछे तो अपना व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो जीके भाई रविंद्र सर नाम से है, टेलीग्राम पर ग्रुप है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे देखिए 2015 के तहत कितने अवार्डों की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने यही बने हैं, कुल 7 अवार्ड की बच्चों शुरुआत की गई है। अब ये 7 अवार्ड पढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चों नाम आता है डॉक्टर राधा कृष्णन अवार्ड। आप सभी जानते हो बच्चों डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे, भारत के प्रथम क्या थे, उप राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम। और बच्चों इब बात करी जावे डॉक्टर राधा कृष्ण का नाम से किन किन ने अवार्ड मिले है, बच्चों किसको अवार्ड मिलता है, कितनी राशि मिलती है, तो बच्चों ये जो पुरस्कार है ये मिलता है स्कूल का जो पीटीआई होया करे, स्कूल का पीटीआई व दूसरा कौन भाई, दूसरा डीपी होया करे। डीपी बच्चों कॉलेज में होया करे और स्कूल में क्या होया करे, पीटीआई होया करे, जो अपनी क्लास में पीटीआई परेड करवाया करे, अपन योगा करवाया करे और कॉलेज में बच्चों उसको बोलते हैं डीपी। बच्चों इनको यह पुरस्कार मिलता है। ये देखो अपन पुरस्कार की राशि किस प्रकार याद रखनी है, बिल्कुल आसानी से याद रख सको हो, एक तो पीटीआई ने मिलेगा एक डीपी ने मिलेगा। लेकिन बच्चों कितने हो गए, कुल हो गए 2, तो 2 लाख हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको याद ना हो तो जब भी राधा कृष्ण आपको नाम मिले, एक कौन था राधा प्लस में दूसरा कौन कृष्ण, तो एक और एक कितने हो गए टोटल 2 हो गए। तो इसके तहत कितनी राशि दी जाती है बच्चों 2 2, तो पता चल गया कि राधा और कृष्ण दोनों के करया करते, दोनों एक दूसरे ने लव करया करते और लव से के याद रखना है, लव से याद रखना है हमें, लाख याद रखना है तो बच्चों आसानी से याद कर सको हो आप, ठीक है। आगे देखो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला है महाराणा प्रताप अवार्ड। महाराणा प्रताप अवार्ड के बारे में पूछा गया बच्चों, यो जो अवार्ड है यो अवार्ड किसने मिला करे, यो मिला करे पुरुष खिलाड़ी ने, पुरुष खिलाड़ी को, पुरुष खिलाड़ी तो बहुत सारे हो भाई, कौन से पुरुष खिलाड़ी ने जिसने आजीवन खेलों को बढ़ावा दिया हो, जिसने आजीवन पूरा का पूरा जीवन खेलों को बढ़ावा दिया हो, खेलों को बढ़ावा दिया हो, यानी कि जब जवान था जब तो खेल खेला हो और बुढ़ा आ गया तो खेल सिखाए हो बच्चों, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इब बात की जाती है इस पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है, आपने के जिक्र कराया बच्चों जब जवान था जब तो खेलिया, क्या है जवान था तो खेलिया लेकिन बुढ़ा पाछे के है खेलिया कौन सा, और बुढ़ापे में क्या करे बच्चों, बुढ़ापा में खेल सिखाया हो, तो यानी कि जवान था जब तो खुद खेलिया और दूसरी बात क्या थी बुढ़ापे में खेल सिखाया, तो एक और एक कितने हो गए बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 2, और 2 सके याद रखोगे 2 लाख याद रखोगे। यहां भी आप याद रख सकते हो पहला है महाराणा, और महाराणा कौन है, महाराणा है बच्चों एक है महाराणा और कौन था महाराणा, महाराणा प्रताप था भाई, तो कितना आ गया टोटल 2 हो गया बच्चों, तो याद रख सको हो 2 लाख। एक और क्वेश्चन बने है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ है, बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों, तो यो कड़पड़े है अजंथली गांव के अंदर पड़ता है बच्चों, और अजंथली गांव कहाँ पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है, करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय हरियाणा में ही है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है बच्चों यो किसको मिलता है, यो मिलता है देखो वो तो था पुरुष के नाम पे और यो किसके नाम पे आ गया महिला के नाम पे, यानी कि किसको मिलता है महिला खिलाड़ी को मिलता है, और महिला खिलाड़ी कौन सी बच्चों, महिला खिलाड़ी को, और महिला खिलाड़ी कौन सी जिसने आजीवन खेलों को बढ़ावा दिया, आजीवन खेलों को बढ़ावा दिया, आजीवन खेलों को बढ़ावा किस प्रकार दिया भाई, जब जवान थी तो खेल खेले और जब बुढ़ी होगी तो क्यों हो गया भाई खेल सिखाए, तो एक जवान थी दूसरी बात क्यों हुई वह बुढ़ी होगी जब भी खेल में रुचि रखा करती, एक और एक 2 कितने हो गए 2, और 2 से के याद रखोगे
2 लाख याद रखोगे, और उरे से भी याद रख सको हो, एक है रानी और एक है लक्ष्मी भाई। तो एक रानी एक लक्ष्मी कुल कितनी होगी? 2 होगी भाई, क्योंकि रानी भी कोई भी हो सकता है और लक्ष्मी भी कोई भी हो सकता, तो 2 बात होगी ना अलग अलग। तो बच्चों यहाँ से भी 2 लाख आप याद रख सकते हो, बस 2 बार आप क्लास में पढ़ लियो, कदे भी कौन भूलोगे। अगला है बच्चों नेक्स्ट एकलव्य अवार्ड। एकलव्य का आपने नाम सुना होगा बच्चों, एकलव्य है जो तीर चलाया करता गुरु द्रोणाचार्य ने देख देख के, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास गया था वो, और द्रोणाचार्य ने क्या बोला, बोला जी आप मैंने तीर चलानी सिखा दो, क्योंकि द्रोणाचार्य जंगल में दुर्योधन और ना बच्चों तीर चलानी सिखाने लग रहा था अर्जुन और ने, लेकिन यो गया इसके बारे में सारी बातें पूछी तो इसने गुरु द्रोणाचार्य नाट गया, बोला भाई मैं तो राजा महाराजा का लड़का ने सिखाया करूं, अगर मैं तने तीरंदाजी सिखा दी तो भाई इसमें मेरा अपमान होगा। तो बेचारा ये नाड़ लटका के चला गया, क्योंकि पीसा कौन था बेचारा द्रोण जंगल में रहा करता। तो बच्चों इसने क्या करा, इसने गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु मान के ने एक पत्थर की मूर्ति बना दी, गारा की मूर्ति बना के और जंगल में रख ली, और उसको अपना गुरु मान्या और तीन तीर चलानी सीख गया भैया, तीर चलानी सीखी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सेमिनार करवा दिया और बोले जो भी ये पक्षी बैठा है पेड़ के ऊपर, जो भी इसकी आंख में तीर मार देगा वो ही सबसे बड़ा धनुर्बाज होगा तीरंदाज होगा। बच्चों अर्जुन और को उस पर तीर को लग गया, और ये जो अपना एकलव्य था इसने क्या किया, एकलव्य ने पहली तीर में ही सीधी पक्षी की आंख में मारी, पक्षी की आंख में मार दी, और जो अपना संकल्प था वो जो विजय थी उसने प्राप्त कर ली। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी कहे बच्चों टेंशन में पड़ गया, गुरु द्रोणाचार्य ये बात सोचा भाई जो इतनी महान जो तीरंदाज उसका है वो सिर्फ मेरा ही शिष्य उसका है, और किसी में इतनी हिम्मत को नहीं। तो वो जब इससे बात करी, एकलव्य से पूछा भाई आप कहाँ से सीखी है, तो एकलव्य ने बताया जी मैं कई दिन पहले आपका दौरा आया था तीर सीखने, लेकिन आप मने नाट गए, भाई मैं नीचे जो अलग वर्ग के लोग हैं उन्हें कोनी दे सकूं, मैं राजा महाराजा का बालक है उन्हें प्रशिक्षण दिया करूं। तो बोले जी मैं आपकी मूर्ति है उसने गुरु मानकर मैं तीर चलानी सीखी है। बाद में गुरु द्रोणाचार्य वो इस बात ने भी अपमान समझा, बोले किमें भी करा हो तने गुरु तो मन ही मान्या है, बोले जी हाँ मैं गुरु तने मान्या है, बोले आप एक काम करो अगर आपने मुझे गुरु मान्या है, क्योंकि इसमें गुरु द्रोणाचार्य का अपमान हो गया था भाई, बोले अगर आपने मुझे गुरु माना है तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ, बोले जी मांगो आपने गुरु दक्षिणा कैसे ये। तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को कहता है कि तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के मन दे दे। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले उसने, अरे एकलव्य ने एक ही सेकंड में बच्चों अपना दाहिने हाथ का अंगूठा है वो काट के गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया, ये देखो दाहिने हाथ का अगर अंगूठा कट गया तो वो तीर को नहीं चला सके। बच्चों इतना बड़ा धनी आदमी था अपना एकलव्य, और एकलव्य बच्चों किस क्षेत्र में रहता था, ये देखो गुरु द्रोणाचार्य है गुरुग्राम का जिसका नाम रखा गया, और गुरुग्राम के क्षेत्र में वो रहा करता, वहीं से इसने देखी कोई तीर सीखी तो यो भी वही रहेगा, और इसी के नाम पर बच्चों एक मंदिर भी बनाया गया जिस क्षेत्र में इसने अपना अंगूठा काट के दिया था। मंदिर कौन सा बनाया गया बच्चों? एकलव्य मंदिर। एकलव्य जो मंदिर है ये भारत का एकमात्र मंदिर है बच्चों, भारत का एकमात्र मंदिर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भारत का एकमात्र एकलव्य मंदिर कौन सा है बच्चों, तो ये मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है खांडसा गांव के अंदर, और खांडसा गांव कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और यो ये बात करेंगे आप बच्चों, आ जाओ अपने इस पुरस्कार या अवार्ड के ऊपर। ये जो पुरस्कार है किसे दिया जाता है? यो दिया जाए है बच्चों जूनियर स्तर पर, जूनियर स्तर पर, यानी कि यो एकलव्य था यो भी जूनियर था, युवा था बच्चों, जूनियर स्तर पर कनिष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। कनिष्ठ खिलाड़ी यानी कि महान खिलाड़ी को, एक अच्छे खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इन बच्चों बात की गई है एकलव्य पुरस्कार के तहत कुल राशि कितनी दी जाती है, तो बिल्कुल आसान सी बात है, अपनी हर एक अवार्ड के अंदर राशि छुपी हुई है बच्चों। सबसे पहला क्या लिखा दिखा है एकलव्य, एकलव्य में क्या दिखाई दिया है, यो एक, तो कितना भाई? 1 लाख। इसको याद करने के बहुत सारे है, एकलव्य भारत में एकमात्र एकलव्य का मंदिर, तो एकलव्य 1 लाख याद रखना है। एक का मतलब बच्चों एक, और लव का मतलब लाख, तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद अगला है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड है बच्चों ये किसको दिया जाता है? यो दिया जाए है खेल कोच को। खेल कोच कौन आया करे? जो खेल खिलाने सिखाया करे, ट्रेनिंग दिया करे बच्चों, उसको यह सम्मान या अवार्ड दिया जाता है। और इसके साथ क्या दिया जाता है? एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है।
स्मृति चिन्ह दिया जाता है बच्चों, साथ में क्या दिया जाता है, ब्लेजर दी जाती है, जो पैरणी के आकर ऊपर का पैर आकर भाई ब्लेजर, एक के दी जाकर टाई का आप सभी ने पता हो गया, और एक दिया करे स्काफ, स्काफ जो एक तौलिया सा उड़ा दे है भाई, यानी कि एक स्काफ दिया जाए है। उसके बाद बात की गई है इस पुरस्कार के तहत बच्चों कुल कितनी राशि दी जाती है, तो राशि कितनी दी जाएगी बच्चों, साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है किसको मिले, अवार्ड का नाम क्या है, गुरु है। और इसी गुरु से बच्चों अपन के याद रखना है, गुरु का अपन रे उठाना है, रे ना पौरे लिखांगे तो कितना हो गया बच्चों, दो हो गया, और 2 लाख रुपए क्या होगी, 2 लाख रुपए की राशि होगी इस पुरस्कार के तहत, खेल कोच को दिया जाता है यह पुरस्कार। उसके बाद अगला है विक्रम आदित्य अवार्ड, विक्रम आदित्य अवार्ड है बच्चों, ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है अंपायर को, सॉरी एक मिनट, अंपायर को दिया जाता है, और अंपायर के साथ साथ किसको दिया जाता है, रेफरी को। अंपायर कौन है करे, जो क्रिकेट फुटबॉल की तरह जो मैच करवाया करे, रेफरी जो कबड्डी कुश्ती के मैच करवावे। ये देखो एक किसने मिले है बच्चों, अंपायर ने, और दूसरा किसने मिले है, रेफरी ने। एक रे कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए, 2 लाख या दरख्त को हो। फिर अगर आप और आवांगे तो उरे एक नाम है बच्चों विक्रम, और दूसरा नाम के है, दूसरा नाम है आदित्य, तो नाम कितने इसके अंदर कुल 2 है, तो यहां से भी आपके याद रक्ष को हो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद आगे है बच्चों बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड, बेस्ट खेल जो एसोसिएशन अवार्ड है बच्चों, उस एसोसिएशन यानी कि उस संस्था को दिया जाता है जिसने सबसे बेहतर काम किया हो, यानी कि जो ये संस्थाएं होती है खेल सिखाने का, खेल करवाने का, ये जो अवार्ड है बच्चों उस संस्था ने मिलेगा जिसने सबसे बेहतर काम किया हो। सबसे बेहतर काम करने वाली संस्था ने जो अवार्ड मिला करे बच्चों, और बेहतर कार्य करेगा तो क्या है, ज्यादा रुपये मिलेगी। और किसने, बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड, तो इस बेस्ट खेल ने उरे उठा के लेके आओ बेस्ट। ये देखो इसका लास्ट में क्या है बच्चों, इसका लास्ट में आपा ने टह लिखा हुआ दिखाई दे है, टह ने आप और लिखांगे इस प्रकार लिख दिया, ये भी जो टह है इस टह ने आप सीधा करांगे बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से लिखांगे तो थोड़ा सा अच्छे से लिखांगे तो किस प्रकार सीधा करके लिखा जाएगा, 5, तो इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की क्या है, राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत बच्चों, 5 लाख रुपए की राशि देने का कार्य करती है। उसके बाद थोड़ा सा एक दो पुरस्कार और है, उस पुरस्कार के बारे में और आप जानते हैं बच्चों, एक दो पुरस्कार और एग्जाम में पूछे जा है। एक पुरस्कार है बच्चों जिस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र है बच्चों पुरस्कार, और सीटी के एग्जाम में पूछा गया था, अपना जो 2022 में सीटी का एग्जाम आया था इसमें पूछा गया था परमवीर चक्र पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो बच्चों कितनी राशि दी जाती है, 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। और बात की जाए बच्चों हरियाणा में पहला परमवीर चक्र पुरस्कार किसने मिला था, तो बच्चों किसे मिला था, जो मिला था होशियार सिंह ने, होशियार सिंह था बच्चों, इसका जन्म कराया था, होशियार सिंह का संबंध है सिसाना सोनीपत से, सोनीपत का था बच्चों सिसाना का। और बात की जाए इसे कौन सी उपाधि मिली थी बच्चों, तो इसने जो उपाधि मिली थी, उपाधि कौन सी मिली थी, उपाधि मिली थी बच्चों ब्रिगेडियर की, ब्रिगेडियर। अगर आप बच्चों कभी बहादुरगढ़ जाओ तो बहादुरगढ़ के अंदर एक मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन का जो नाम है बच्चों वो भी इसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। उसके बाद एक पुरस्कार और है बच्चों जिसका नाम है अशोक चक्र पुरस्कार, अशोक चक्र, ये जो पुरस्कार है इसके तहत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद बच्चों तीसरा है वीर चक्र, और वीर चक्र के तहत 50 लाख रुपए की क्या है, राशि दी जाती है। तो ये भी बच्चों हमें याद रखना है, और सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जब वीडियो समाप्त हो जा, जब प्रीमियम का निशान ना, लाइव का निशान ना दिखाई दे आपने, जब आप कमेंट करके बताया करो बच्चों
कि आपने आज की क्लास कैसी लगी। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसा कि हमने HSSC CT मेंस प्लस में ग्रुप डी का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से भी बच्चों जुड़ सकते हो। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी सारी वीडियो देख सको हो। आपने बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी अगर बच्चों यहाँ से पढ़ोगे। आपको यहाँ पढ़ने के बाद बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों हरियाणा की बुक ऐसी है, आप पांच बुक सामने रख के बैठ जियो, पांचों बुका में जो आंकड़े है वो अलग अलग मिलेंगे। तो बच्चों आपको बिल्कुल यहाँ त्रुटि रहित आंकड़े मिलते हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो एग्जाम है वो 100% क्वालिफाई होगा। और स्पेशल किस प्रकार करे हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी, क्या क्या सिलेबस आएगा, इस सारे के ऊपर आपने वीडियो बना रखी है बच्चों, तो आप वह वीडियो एक बार अवश्य देखियो, क्योंकि उसमें मैंने खुद का मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया है। अगर आप भी उस मेरे एक्सपीरियंस के साथ चलोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप जो 3 से 4 महीने बाद आपका डी ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो 100% आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप वह वीडियो भी जरूर देखियो। और बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।